दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये दोनों हमारे पास टेम्परेचर की यूनिट है। अब देखिए, हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो अभी देखिए आप, जो हमारा पानी होता है, मतलब पानी बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। जो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस 100 डिग्री सेल्सियस को हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होगा कि इसकी वैल्यू फ़ारेनहाइट में क्या होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताऊँगा जिस फॉर्मूले के द्वारा हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है, सी सी डिनोट करता है सेल्सियस को। सी डिवाइडेड बाई 5 इज़ इक्वल्स टू एफ़ माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब देखिए, हमें वैल्यू क्या दी गई है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम सी की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी हो गई, 100 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 5 इज़ इक्वल्स टू एफ़, क्योंकि हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा एफ़ माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। अब देखिए, इसके आगे हमें इसे सोल्व करना होगा और इसे सोल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए, 5 से मैं इस 100 को काट सकता हूँ, ठीक है। 5 5 दूनी 10 और ये 0 एज इट इज़ लगा दो, यानी कि 20 टाइम्स कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। अब देखिए, 20 इज़ इक्वल्स टू एफ़ माइनस 32, एफ़ माइनस 32 डिवाइड में 9 आ जाएगा। अब देखिए, इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको कैसे सोल्व करेंगे। हम यहाँ पर इसके अपॉन में 1 ले लेंगे और इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी आती होगी। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 की मल्टीप्लाई तो 20 के साथ हो जाएगी और इस 1 की मल्टीप्लाई एफ़ माइनस 32 के साथ हो जाएगी। तो जब 1 की मल्टीप्लाई इस वैल्यू के साथ होगी तो ये वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं इस वैल्यू को एज इट इज़ लिख देता हूँ, एफ़ माइनस 32 इज़ इक्वल्स टू, और दूसरी साइड क्या आ जाएगा, 9 इंटू 20, या फिर बोल दीजिए 20 इंटू 9। अब देखिए, इसको आगे सोल्व करते हैं। तो एफ़ माइनस 32 इज़ इक्वल्स टू 9 इंटू 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 18, और ये 0 एज इट इज़ लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा 180। अब देखिए, हम यहाँ से इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो एफ़ की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 180 प्लस 32, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारे पास ये माइनस में है, ये राइट हैंड साइड जाकर प्लस में हो जाएगी। तो एफ़ की एग्जैक्ट वैल्यू, जो हमारे पास फ़ारेनहाइट की एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमने इस 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया है, तो फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू क्या होती है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए, अगर हम इस वैल्यू को फ़ारेनहाइट लेकर चलेंगे तो हमें सेल्सियस में हमारे पास 100 ही आना चाहिए। मतलब आप कोई भी फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप सपोज़ करिए, हमारे पास कोई भी वैल्यू है, आप 40 डिग्री ले लीजिए या फिर 30 डिग्री ले लीजिए। देखिए, यहाँ पर अगर मैं 41 डिग्री फ़ारेनहाइट ले लूँ, ठीक है, हमारे पास सपोज़ करिए वैल्यू है 41 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, तो हम अपना यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सी डिवाइडेड बाई 5 इज़ इक्वल्स टू एफ़, एफ़ की वैल्यू रख दीजिए 41 माइनस 32 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 9। अब देखिए, इसको सोल्व कर दीजिए, सी डिवाइडेड बाई 5 इज़ इक्वल्स टू 41 में से 32 को माइनस कर दीजिए, वैल्यू मिलेगी 9 डिवाइड बाई 9, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस 9 से 9 कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 1। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं सेल्सियस में वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 5, यानी कि जब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमें सी की 5 मिल जाएगी। आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पर करके भी दिखा देता हूँ, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1। तो वही चीज़ अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, सी इज़ इक्वल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस।
तो जो हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारे पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है 41 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो उसकी वैल्यू सेल्सियस में 5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगी। आई होप आपके समझ आया होगा कि हम इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।